शांति। ईआरओ पॉजिटिव चेंज थीम के लॉन्च के अवसर पर मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, राज्य की बी के मृत्युंजय भाई जी, राज्य के बी के यमलता जी, राज्य के बी के लखमल भाई जी, राज्य के बी के आशा जी, राज्य के बी के लीना बहन जी, बी के सविता जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यगण, देवियों और सजन सभी को जय जोहार, नमस्कार। पूरी मानवता के कल्याण के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनुष्य की सोच और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शुरू किए गए ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। पिछले महीने 27 जुलाई को मैंने ओडिशा में भी ईआरओ पॉजिटिव चेंज के थीम से जुड़ी कार्यक्रम में भाग लिया था। आज छत्तीसगढ़ में भी इस प्रयास का आरंभ करने हेतु मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर आप सबसे मिलने का अवसर मिला। ये ऑडिटोरियम मेरे लिए नया नहीं है, ये मुझे जान पहचान सी लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है 2017 में जो कोमला दीदी जी थी उस टाइम मुझे बुलाया गया था और इसी ऑडिटोरियम में प्रभिता परमात्मा का, बहनों का, भाइयों का सकाश लेने के लिए, दृष्टि लेने के लिए मैं आई थी। ये आपसे मुझे ये वाला ऑडिटोरियम में तो वगैरह बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति के रूप में छत्तीसगढ़ आकर अपने देशवासियों से मिलने की ये मेरी इच्छा आज पूरी हुई। एक कहावत है, छत्तीसगढ़ यार सबले बढ़िया। और ऐसी कहावत के माध्यम से सदियों से चले आ रहे सत्य को मात्र शब्दों में कह दिया जाता है। और सबसे बढ़िया राज्य के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री यहाँ हम लोगों के सामने आए सामने है, इसीलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। देवियों और सजों, एक और हमारा देश नित नई ऊंचाई में छू रहा है, और चाहे चांद पर तिरंगा लहरा रहे हैं या विश्व स्तर पर खेलकूद के क्षेत्र में नई ऊंचाई लिखने को हमारे देशवासी अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बदलने में भारत की खूबसूरती तस्वीर बदलते खूबसूरती तस्वीर। दूसरी और एक अत्यंत गंभीर विषय है जिसे आपके समक्ष में रखना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले नीट की तैयारी करने वाले दो विद्यार्थियों ने अपने जीवन, अपने स्वप्न, अपने भविष्य का अंत कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे बच्चों ने पिछले दिनों अपने आप को इस दुनिया से खुद को विदाई कर लिया। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव जिससे जीवन संवरता है, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जो कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते। इस बात के अनेक उदाहरण है कि क्षणिक असफलता से भविष्य की सफलता निहित होती है।
मेरी इस भाभी बीवी के परिवार के लोगों, दोस्तों, अध्यापकों और समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। मैं सभी स्टेक होल्डर से कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों को पढ़ाई का कॉम्पिटिशन का प्रेशर है तो पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा उसे दूर करके उनका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। जितना जरूरी उनका करियर है उतना ही जरूरी है कि वे जीवन की चुनौतियों का डटकर धैर्य के साथ सामना करें। इसीलिए उनको तैयारी करना, सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। आज का ये जो थीम पॉजिटिव चेंज, मुझे लगता है ये थीम के सहायता से उन बच्चों को हम मदद कर सकते हैं और देश के लिए जो गौरव आने वाले ये बच्चे, देश को विकास धारा में आने वाले ये बच्चे जो आधा अधूरा जिंदगी जी के चले जाते हैं उनको हम बचाया जा सकता है, सुरक्षा दे सकते। देवियों और सुनो, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अलग बनाया। सभी का अपना अपना विशेषता है, अपना अपना अलग गुण और सब में अनोखी प्रतिभाएं होती। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रुचियां, अपनी क्षमताओं को समझकर अपने लिए सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए स्वयं से संवाद करना आवश्यक, क्या करूँ, क्या ना, क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव, क्योंकि ये जो युग, ये कंप्यूटर युग, ये साइंस साइंटिफिक युग, साइंस का युग है। यहाँ के बच्चे, अभी के बच्चे बहुत ही शार्प माइंड में होते हैं, इसीलिए ये बच्चे समझते हैं, लेकिन उतने ही थोड़ा धैर्य शक्ति से थोड़ा कमजोर होते हैं। धैर्य से जीने का हमको सिखाना चाहिए। हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्य इस दिशा में कई वर्षों से काम कर कार्य कर रहे हैं। मनुष्य के अंतर्भूत को जागृत करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच और कार्य से केवल अपनी ही नहीं बल्कि आसपास के सब लोगों के जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है। मेरी आध्यात्मिकता यात्रा में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मेरे बहुत साथ दिए। कठिनाई के तौर पर जो मैं अपने जीवन जीती थी उनके पास मैं जाती थी, लेकिन मन में जो बहुत दिनों के बाद ये रास्ता कहने में इतने आसान है, लेकिन निभाने में थोड़ा सा कठिन नहीं है, लेकिन कहते ना कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते। कोई ऐसे कष्ट का रास्ता को भी जो प्रयास करें उसको हम जीत पाएंगे और उसका सफलता हम हासिल कर सकते। इसीलिए धैर्य के जिंदगी जीना चाहिए और ब्रह्मा कुमारी का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में बहुत सारे रास्ता मैंने चुनी थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का रास्ता ये सही है। जब आप सोचता से चलते फिरते काम करते ये अपनी जिंदगी को आप अच्छी तरह से जी पाएंगे। जिंदगी जीने का कला वो सिखाते हैं। सही अर्थ में सचेत व्यक्ति सचेतनशील और विनम्र होने के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा होता है। आत्मविश्वास ही ऐसे एक कुंजी है जिससे हम अपना सही रास्ता ढूंढ सकते। देवियों और सज्जनों, आज हम सब टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और बच्चे भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बात करते हैं, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम दिन का कुछ समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहकर बिताएं। साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आध्यात्मिकता को भी जोड़े
जिंदगी आसान हो जाएगी। जिस मकसद से परमपिता परमात्मा ने इस धरती को हमको भेजे हैं, ये केवल खाओ पियो, रोटी कपड़ा मकान, ज्यादा से ज्यादा इनकम कर, ये नहीं है। जिंदगी को कैसे सफलता से आध्यात्मिक जिस भी हम आए, सुख शांति आनंद प्रेम से जी करके, इसके साथ भी है दुख और शांति, मोह माया हिंसा दे सकते, लेकिन हम जो प्रैक्टिस करेंगे सुख शांति आनंद प्रेम से जीने का, मुझे लगता है ये रास्ता इतना कठिन नहीं, बहुत सहज है। हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही जरूरी, केवल ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं। यहाँ जितने भाई बहन, मुझे लगता है 95% ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करते हैं। हम एक केवल शरीर नहीं है, हम एक आत्मा, परमपिता परमात्मा का एक अभिन्न अंग है। केवल शरीर होता तो शायद मुर्दा भी काम करता, एक लाश भी अपनी जिंदगी जी ले, इसके अंदर आत्मा है। इसीलिए आत्मा को लेके शरीर के लिए खाद्य वस्त्र वास्तव अच्छा मकान ऐसी बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन मन के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए भी खाना चाहिए, आत्मा के भी खाद्य जरूरी होता है। धैर्य, सहनशीलता, सुख शांति आनंद प्रेम का रास्ता है। इसीलिए धैर्य से जिंदगी जीना थोड़ा कठिनाई है, लेकिन कठिनाई से जीते जीते, कठिनाई के रास्ता पे चलते चलते रास्ता एक कठिन रास्ता भी सहज हो जाता है। इसीलिए उसी रास्ता ही चलना, रास्ता शॉर्टकट नहीं है, लेकिन उसी रास्ता से चलना एक्चुअली सुख मिलता है। एक बात में हर बच्चे, युवा और बुजुर्ग के वो कहना चाहती हूँ कि अपने आंतरिक शक्ति के विकास के लिए अपनी रुचि के अनुसार सकारात्मक कार्य करते रहिए और सदा पॉजिटिव थॉट्स और गुड कंपनी के साथ रहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको सही रास्ता पर चलने की प्रेरणा दे सके और आगे बढ़ने में आपका साथ भी दे। जीवन को सही ढंग से जिए तो हर पल खूबसूरत और यादगार बना सकते। ब्रह्मा कहते हैं भाई, भारत नहीं नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी प्रेम, सद्भाव और शांति के विस्तार के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आज 140 से ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी भाई बहन ये राज योग शिक्षा देते हैं, राज्यों में चलाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, शांति के विस्तार के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। किसी की सोच में बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रबल इच्छा शक्ति से किए गए कार्य सफलता जरूर मिलेगी। संकल्प शक्ति और निरंतर प्रयास के बल पर महिला नेतृत्व वाला ये ब्रह्मा कुमारी संगठन जनकल्याण की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को बेहतर बनाने में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अंत में एक बार फिर मैं आप सबको छत्तीसगढ़ में ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आध्यात्मिकता के एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहा जाता है इतना ज्ञान है, मैं जो 2 या 5 मिनट में एक ज्ञान खत्म नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं या गीता में भी लिखा है, आप जितने समुद्र है, समुद्र के पानी को आप सही बनाइए या एक बनाइए, और जितने पेड़ पौधा है सभी को आप कलम बनाइए, लिखने से नहीं होता, लेकिन महसूस आप कर सकते। महसूस के द्वारा ये असाध्य काम भी आप साध सकते। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक ब्रह्मा कुमारी
संस्था का उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे लगता है उन्होंने जो रास्ता चुने हैं देश या पूरा दुनिया को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, मुझे लगता है ये रास्ता जरूर एक ना एक एक दिन उनके लक्ष्य को जरूर वो हासिल करेगा और ये चेंज दुनिया जरूर होगा। क्योंकि कहा जाता है सोमवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे जो सेवन वीक होता है ऐसे चार युग, एक युग खत्म होने के बाद दूसरा युग आता ही आता है। इसलिए एक सीजन के बाद दूसरा सीजन जरूर आ रहा है। ऐसे ही एक युग के बाद दूसरा युग, इसलिए युग को खराब करने का काम हम लोगों का है, युग को परिवर्तन करने का दायित्व भी हम लोगों का है। इसलिए ये दायित्व ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेना चाहिए और जो युग परिवर्तन आप सब है हम सब है, हम लोग अपने मन को परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, पॉजिटिव चेंज करेंगे। जो जरूर ये स्वर्णिम युग जिसको हम सब देख रहे हैं, राम राज्य लाने के लिए राम बनना पड़ेगा, सीता बनना पड़ेगा, विश्व गुरु बनने के लिए उसी दिशा में कदम रखना पड़ेगा। इसी के साथ ही हम लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।